एचडीएफसी बैंक नौगांव में 1,11,50,000 रुपए का गबन का मामला सामने आया है। बैंक के मैनेजर ने नौगांव थाने में इस मामले की शिकायत की है। एचडीएफसी बैंक के मैनेजर ने पुलिस को बैंक में हुई गड़बड़ियों की शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बैंक के मैनेजर ने बताया, उनके बैंक में एटीएम में जो राशि बैंक डलवाता है उसमें 1,11,00,000 की राशि कम पाई गई। इसी राशि का बैंक कर्मचारियों ने एटीएम में डालने के दौरान गबन किया है। इसी शिकायत के आधार पर जबलपुर और भोपाल की एचडीएफसी बैंक की टीमें आई और बैंक के दस्तावेजों की जांच शुरू की। वहीं नौगांव पुलिस ने बैंक में जाकर बैंक मैनेजर की शिकायत पर अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बैंक में धोखाधड़ी करने के आरोप में बैंक के अज्ञात कर्मचारियों के विरुद्ध मामला भी दर्ज कर लिया है। छतरपुर जिले के थाना नौगांव अंतर्गत एचडीएफसी बैंक के जो मैनेजर हैं उन्होंने एक शिकायत की है, जहां पे 1 करोड़ से ऊपर की रकम का गबन उन्होंने बताया है। इसमें प्रथम दृष्टि अपराध कायम किया गया है, जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक की गई है। इसमें सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, सभी के जो अकाउंट बुक्स हैं उनको चेक किया जाएगा और उसके आधार पर जो भी आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।